हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज असि करन जा रहे हाँ एक ऑफिशियल लैटर अपलाइंग फॉर अ जॉब। एक जॉब लई आपा बिना पत्र लिखांगे। सो लेट्स स्टार्ट। सब तो पहला अपना एड्रेस लिख दो। जे स्टेटमेंट तुहाडा एड्रेस दिता तो ही लिखोगे, जे स्टेटमेंट कोई एड्रेस नहीं दिता तो तुसी अपने कोल बना के लिख सकते हो। सो साडे कोल इत्थे कोई स्टेटमेंट नहीं है, इस करके आपां सिंपलेस्ट एड्रेस लिखांगे 12 रामनगर मोगा। अगे डेट पा दो, नवंबर 26, 2020। उस तो बाद जिन्हों तुसी लैटर लिख रहे हो उहदा एड्रेस लिख दो। सो जॉब लई असीं अप्लाई कदों करदे हां, जदों आपां किते ऐड देखते हां। सो मैं उसे नूं ही बेस मान के लिख रहा, द एडवरटाइजर SEO 335। SEO का मतलब होता है शॉप कम ऑफिस। ओके, ये एड्रेस है SEO 335 Sector 9 चंडीगढ़। उस तो बाद एक लाइन छोड़ो, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ क्लर्क। तुसी क्लर्क लिख सकते हो, ऑफिस असिस्टेंट लिख सकते हो। ओके, फिर लाइन छोड़ो, डियर सर, एक लाइन फिर छोड़ दो। उस तो बाद तुसी यदि बॉडी शुरू कर सकते हो कि आई सा योर एडवर्टीजमेंट, कि मैं तुहाडी एडवर्टीजमेंट देखी भाव एड देखी इन द जगबाणी। जगबाणी अखबार जिहड़ी आई सी ऑफ नवंबर 25, 2020। 25 नवंबर 2020 की जगबाणी के मैं तुहाडी एक ऐड देखी। वो ऐड कदे वास्ते सी? फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। क्लर्क की पोस्ट वास्ते वो ऐड सी। आई विश टू अपलाई फॉर द जॉब, मैं उस जॉब लई अपलाई करना चाहता हाँ चाहती हाँ। द बायोडाटा लिस्टिंग माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इज इनक्लोज्ड, कि जिहड़ा मेरा बायोडाटा है जो कि मेरी क्वालिफिकेशन ते मेरा एक्सपीरियंस शो कर रहा, दर्शा रहा है, लिस्ट कर रहा है, वह नाल नथी है। बस अपनी लैटर खत्म है। सो इत्थे दा धन्नवाद कर दो कि थैंक यू वेरी मच इन एंटीसीपेशन। एंटीसीपेशन होंदा कि पूर्व अनुमान लगाना, पहले तो ही एक गैस कर लेना कि हाँ मैनू पूरा यकीन है कि तुसी मैनू सेवा दा मौका जरूर दोगे। सो थैंक यू वेरी मच इन एंटीसीपेशन। उस तो बाद फिर एक लाइन छोड़ो, योर्स फेथफुली, अगे अपना नाम लिख दो, सुमित बख्शी। सो ये जो तुम बायोडाटा लगाना चाहते हो तो सिंपल सिंपल लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, जिथे तुम रहते हो एड्रेस लिख सकते हो, जिन्ना तुम पढ़े हुए हो वह लिख सकते हो, जे कि जॉब की है तुम लिख सकते हो 10 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्म, कि इस कंपनी के मेरा 10 साल का तजर्बा है। सो नाल लिख सकते हो जो मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड हो तो अनमैरिड, एज लिख सकते हो। सो यहो जी छोटी छोटी चीज़ा अपने बायोडाटा तुम नथी कर सकते हो, पर यह ऑप्शनल है जो तुम लिखना चाहो। जे नहीं भी लिखना चाहोगे तभी थोड़ी लैटर कंप्लीट है।